in this apartment. Or I'll be in this house. I'll go to this Hello, assalamu alaikum everyone. I hope you have looks up Tikoge and I hope everyone's doing well and they're staying safe during this time. And today is Saturday, and on Saturdays we have actually for me it's my cheat day, mera cheat day hota Saturday ko, I am able to eat whatever I want on that day. So aaj Faizan ko maine kaha ki breakfast jo na koi acha sa nashta banaye jo thoda different ho. So आज मैं अभी नीचे आया हूँ और बच्चे भी देखो नीचे आ गए. The kids are up and we're gonna have all, everyone's gonna have breakfast together today. Sameer, are you hungry right now? Yes. What? I'm starving. You're super hungry. And what about you, Myra? I'm hungry too, Mom. Myra, जो उठ के जो है ना. Nihari is like one of the best. Nihari. आज जो है Faiza is making some special desi nashta, not your normal nashta. देसी नाश्ता बन रहा है आज हमारा. ये देखेंगे इस टाइम रात सुबह के 12 बजे, क्योंकि अभी 12 बजे हैं और 12 बजे हम नाश्ता करते हैं. हम लोग लेट उठते हैं और बच्चे देखो अजीब हैं. नॉर्मली बच्चों को स्कूल के लिए उठाना पड़ता है और आज सुबह जल्दी उठ जाते हैं, लेकिन फिर ये कुछ ना कुछ स्नैक खा लेते हैं, फिर 12 बजे ही नाश्ता होता है हम लोगों का. तो आज मैं और वीकेंड पे एक दिन स्पेशल हमारा नाश्ता होता है सैटरडे संडे में से एक दिन, जो लाहौरी है ना वो देसी नाश्ता पाकिस्तानी नाश्ता वो हम लोग करते हैं एक दिन जरूर. और आज आपके साथ अपना जो वीकेंड है वो शेयर करेंगे कि हम वीकेंड पे क्या करते हैं, हमारा वीकेंड कैसे गुजरता है. तो विकी बहुत खुश होते हैं, चीट डे होता है. मैं आज कुछ भी खा सकता हूँ. तो बस सैटरडे संडे में से ये होता है कि एक दिन हम लोगों का किस एक दिन हम बाहर जाते हैं, उस दिन तो बहरहाल सिंपल सा नाश्ता होता है हमारा, फिर हम लोग चले जाते हैं आउटिंग के लिए. और एक दिन घर में वो फिर हम मजे मजे की चीजें बनाते हैं. तो चले बनाते हैं फिर नाश्ता. अभी तो मैंने जस्ट दिखाओ यही कुछ कटिंग की है. हाँ, अभी मैंने कहा ये कट करके रख लूँ ना तो फिर आसानी होती है. पर मैंने स्टार्ट कर दी हुई है विकी के उठने से पहले, मैंने स्टार्ट की हुई थी. तो ऑलमोस्ट मेरा जो है निहारी, दिखाओ निहारी की मेरी निहारी. ये नान है, ऑलमोस्ट रेडी है. हाँ ये है वो, ये तो पूरी है. हाँ ये देखो जी, ये हमारी निहारी तैयार हो रही है. और जी ये हम लोगों का हलवा रेडी हो रहा है. ये हलवा पूरी बना, ये आज हम स्पेशल क्या क्या डाला. मैंने तुम्हारी वजह से ज्यादा चीजें नहीं डाली थी, तो रही है इसमें नहीं, सिर्फ मैंने मुझे किशमिश और वो जो होता है ना कोकोनट वो डाला, क्योंकि विक्की बिल्कुल नहीं खाते कि नट्स वगैरह अंदर, तो मैंने फिर डाला ही नहीं है. मैंने कभी नखरे इतने हो रहे. और ये देखो लाहौरी हलवा पूरी वाले चने. चने तो मुझे नहीं पसंद इतने. हाँ विक्की को चने नहीं पसंद, मुझे लगता है हलवा पूरी जो है वो पूरी उसके हलवे और चनों के बगैर अधूरी है. तो मुझे लगता है विक्की जो है ना वो निहारी आज लेंगे. तो ये हमारी ये देखे निहारी, निहारी तो टेस्टी है, मोस्ट रेडी है. बस थोड़ा सा मैंने अभी इसमें कॉर्नफ्लोर डाला, मुझे थोड़ी सी ये लग रही है. और ये जो मायरा सर, मायरा के बाल बन रहे हैं. मायरा सुबह उठ के बाल बना. अच्छा मुझे ये बताओ ना, वैसे तो स्कूल के लिए उठाना पड़ता है, इतनी नींदें आ रही थी और आज जितनी जल्दी तुम लोग उठ जाते हो. वीकेंड पे हमें उठा देते हैं, जब हमने सोना था हमें उठा देते हैं. लेकिन ये कि खाप भी बच्चे खुद ही लेते हैं, नीचे कुछ ना कुछ होता है. फिर इस वक्त मैं तो मेरे लिए कीमा वाला पैटी है, वो पोटैटो पैटी जैसा है, मैं बना के खा लेता हूं. ये खुद बना लेती है, खा लेती है फ्रेंड. चलो ये आसानी मुझे हो गई है, बड़ी हो गया. तो अब जो समीर साहब है इन्हें भी बहुत भूख लगी हुई है. ये आपको पता है ये पिज्जा समीर आई हंगरी है. आई नो द माइक्रोवेव. एक पे उसको बोलने तो पहले क्या क्या. आई नो द माइक्रोवेव टू लाइक माया. या डिड यू नो ही नोस ही लिटरली नोस हाउ टू माइक्रोवेव अ पिज्जा फॉर हिमसेल्फ. सो ही कैन ट्राई हिमसेल्फ. अच्छी बात है. चले और निहारी हलवा मैंने खुद बनाया है, लेकिन पूरियां जो है ना मैं लेके आई हूं एशियन स्टोर से. तो ये अब हम फ्राई करेंगे. और साथ में ये देखिए जबरदस्त किस्म के नान है, ये रोगी नान कुलचा, वो जो मुल्तान में होती है ना खुशीद के नान, हमारे मुल्तान जो हम जिधर हम लोगों का बिलोंग करते हैं, जिसके पीछे बड़े स्पेशल नान होते हैं उनके ना. तो ये शुक्र है यहाँ से सब कुछ मिल जाता है. निहारी रेडी है, बड़ी जबरदस्त किस्म की जी निहारी तैयार हुई है. ये देखें जी ना, देखें अच्छी तरह से ये सॉफ्ट हुआ है ना, ये कितना जबरदस्त और सॉफ्ट हुआ है, इतना अच्छा. एक चीज बनाओ ना तो दूसरी ठंडी हो जाती है. तो ये देखें हमारा हलवा भी रेडी हो गया है.
और अभी तक मैंने पूरियां वगैरह पराठे कुछ भी नहीं बनाए। स्मेल बहुत अच्छी है, भूख बहुत लगी है। अंदर डाल के मैंने फ्रोजन वगैरह से कभी भी नहीं बनाई, फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। हमारे नान भी गर्म हो रहे हैं, चलो लेके हेल्प करो ना। ये मैं बना रहा हूँ, देखो नान जो है ना इस तरह बनाते हैं, ये देखो नान है, थोड़ा सा ऑयल लगा के पकड़ते हैं, ये डिफरेंस है, डिफरेंस है, नान भी सड़ जाएगा बिकी। यही बता रहे हैं नान इस तरह, इसको इसको कहते हैं चिमटा, यू हैव टू यूज दिस चिमटा, ये होता है चिमटा। आई स्वेयर आई कैन मेक अ बेटर नान, आई स्वेयर। ऑयल लगाया, थोड़ा सा पानी लगाया, बन गया। आप बताएंगे बन गया या नहीं? अंदर हाथ से देखो सॉफ्ट हुआ, हो गया साफ। हाँ ये सॉफ्ट हो गया ना। चलो जी, विक्की ने पहली दफा हेल्प किया मेरा। आज नाश्ते की चाय विक्की बनाएंगे, आज नाश्ते की चाय विक्की ने बनानी है। ओह वी बेटर मेक द टी। वीकेंड पे तो जो है ना वो हक बनता है ना मेरा, कि विक्की जब ये चाय बनाएंगे ना मैं ना बनना किसी भी बात की बना कर, ये जब जब ये चाय अब हम डालेंगे इसके अंदर ग्रीन चिलीज और साथ में रखेंगे इसमें लेमन। अब हम चनों को गार्निश करेंगे और हरे चने, इसमें ग्रीन चिलीज, लेमन। हमारा मज़ेदार किस्म का नाश्ता तैयार था और इस सारी चीज़ों की रेसिपीज जो है ना आपसे नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। अभी अगर शेयर करती तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जानी थी, तो अभी तो आप मेरी सिर्फ रूटीन देखिए। हमारा हो गया रेडी और अब हम ये नाश्ता करते हैं। तो वीकेंड की स्टार्ट, वीकेंड का जो स्टार्ट है ये मज़ेदार लाहौरी जो है ना वो नाश्ते के साथ हुआ है। वैसे सब लाहौरी नाश्ता मशहूर है लेकिन मुल्तान में भी ऐसा ही नाश्ता होता है, थोड़ा डेंजरस नाश्ता ये रहा वीकेंड ही करना और अब हम करने लगे हैं नाश्ता और अब फिर मिलते हैं हम नाश्ते के बाद, ठीक है विक्की? चाय बनाते हुए मिलते हैं, विक्की बनाएंगे चाय। चलो ठीक है, हम नाश्ता करने के बाद हम नाश्ता इंजॉय करते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं। Okay guys, ladies and gentlemen, this is the part one daddy, this is season 2 of the 12 of Daddy Dose Chai. Make sure you go get your popcorn right now and check it. The Vicky banana ka kuch to kaam kehti hai, aur jo itna kuch smeet na aaj main bhi teen chalo ji, aaj itna heavy nashte ke saath chalo chai banti hai. 1 cup of water, haan, aur fir half cup pani, 1 and half ba जितनी चाय बनाते अपने हस्बैंड से काम नहीं करवाती ना तो फिर ये हाल होगा। एक मिनट, तीन कप, तीन कप है तो तीन पत्तियां करेंगे। अब हमारी चाय बन गई है, ये देखो दो कप मैंने बनाए हैं, बहुत मुश्किल से बनी है। अगर आपको इसकी ये चाय के बाद ही तो अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप प्लीज मुझे कांटेक्ट करना और मैं आपको इसकी जो रेसिपी बता दी है। इसका इसका ट्रे में भी रखते हैं, ऐसे नहीं ऐसे सर्व करते हैं हाथ में। हाँ, ये पकड़ लो और पियो। वैसे बड़ी बात है विकी ने बना दी है। चलो जी, ये हम पे के बताते हैं कि कैसे बनी है चाय। और ब्रेकफास्ट से फारिग होने के बाद हम लोग गए थे ग्रोसरी करने के लिए, और वीकेंड पे ही मेरी कोशिश होती है ग्रोसरी हो जाए। वैसे तो ग्रोसरी लगता है कभी ख़त्म ही नहीं होती है, विकी को हमेशा जॉब से वापसी पे कोई ना कोई चीज़ मुझे याद आ जाती है, ये ले आना वो ले आना, लेकिन जो सही वाली ग्रोसरी होती है वो हम लोग वीकेंड पे ही कर लेते हैं। तो ये मैंने
ग्रोसरी वगैरह जो है, वेजिटेबल्स और ये एग्स, योगर्ट, मतलब जो भी होती है, फ्रूट्स वगैरह जो है वो लिए थे. और ये मैंगोज़ जो आप देख रहे हैं ना, ये बहुत ही कोई फजूल किस्म के मैंगोज़ थे, बिल्कुल अच्छे नहीं थे. ये सेल पर थे, मैं ले आई, लेकिन मैं ज़्यादा पाकिस्तानी इंडियन स्टोर से लेके आती हूँ मैंगोज़, वो ज़्यादा अच्छे होते हैं. तो ये बस मैंने यहीं के स्टोर से ले लिया, तो ये बिल्कुल अच्छे नहीं थे. तो ये देखें, देसी घी और स्पेशली दाल में जब देसी घी का तड़का लगता है, बहुत अच्छी लगती है. और साथ में मैंगो जूस, जैसे वो तो होता है ना, वो चौंसा नेस्ले वालों का, बिल्कुल वैसे इसका टेस्ट होता है. और ये देख रहे हैं, सारी ग्रोसरीज़ को समेटने में भी मुझे कोई घंटा लग जाना था, सब कुछ वॉश करना, जगहों पर ठिकाने पर रखना. और साथ में जो है वो मीट वगैरह भी मैं लेकर आई थी, और इसको भी मीट को अच्छी तरह से वॉश करना. इतने बड़े बड़े से पीसेस बना देते हैं, जितना भी कहो ना उनको, तो वो फिर पीसेस कुछ छोटे छोटे करने पड़ते हैं, उसमें से फैट उतारना पड़ता है. और ये मैं निहारी का, आप देख रहे हो, निहारी का गोश्त वैसे बहुत ज़बरदस्त था, मैं हमेशा लेके आती हूँ. और इसके साथ मैं ना बोन्स लेके आती हूँ, तो ही निहारी में टेस्ट आता है, तो ये भी काम जो हो जाता है. Okay, so now it's the most interesting part because we're gonna be, daddy's gonna be doing the grass right over there. हम बाहर आए हैं और ग्रास कट करने लगे. What do you mean? क्या काम नहीं करा? लगाया था पहले यहाँ पे. अल्लाह करे, hopefully करता हो. तो अब हमारे यहाँ पे ग्रास कट करने, लास्ट टाइम हमने ना लास्ट वीक जो है वो बैकयार्ड की तो हो गई थी, लेकिन ये सामने मैं आपको दिखाती हूँ, ये वाला हमारा रह गया था. ये थोड़ी सी ही ग्रास है हमारे यहाँ पे, तो वो बड़ी हुई है, इतनी अजीब सी लग रही है ना. तो ये फिर ने कहा था मैं नेक्स्ट वीक करूँगा, तो बस अब ये मैं करवाने लगी हूँ. बस वीकेंड पे इस तरह के जो है ना वो काम होते हैं, पूरा वीक तो टाइम नहीं मिलता इनको. क्या हुआ विकी? ओहो, यहाँ पे स्विच जो है वो काम नहीं कर रहा. क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही? चलो फिर बाहर अंदर लग जाएगा. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वीकेंड पे यही काम हो रहे होते हैं, ये साफ सभी मतलब क्लास काट रही है, और हर कोई अपना पानी वगैरह लगा रहा है फ्रंट यार्ड पे, बैक यार्ड पे, और ग्रास कटिंग हो रही होती है. तो हमारा तो खैर छोटा सा है, तो ये विकी ने काटना है, बहुत ही बुरा लग रहा था. तो अभी सुबह में चाय बनवाई है, अब विकी से जो है ना ये काम करवा रहे हैं. ये काम वैसे विकी नहीं करना है. ग्रास कटिंग के बाद जो है ना विकी, जो साइड्स पे ग्रास गिर गया था उसको जो है वो क्लीन कर रहे थे. और यहाँ पे देख लें, सारे काम हमें खुद करने पड़ते हैं. Before we say bye, make sure you're subscribed, turn the notifications on off, give this video a big thumbs up, and make sure you're also subscribed to Makeup by Faisal Kerr. Yeah, and we'll see you in the next vlog of Faisal Kerr Studio, inshallah. All right, see you guys. Bye. Allah Hafiz. Bye. Bye.